नमस्कार, मैं हूं अभिजीत भारद्वाज। आप देख रहे हैं लाइव झारखंड ब्रेकिंग। आप सभी दर्शकों का स्वागत है दिन भर की बड़ी खबर में। रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र सरकार की नीतियों से क्यों हो रहा है विपक्ष के पेट में दर्द। खुलकर जेएमएम के समर्थन में आए सरयू राय, झारखंड की राजनीति में फेरबदल। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दिल्ली में शामिल हुई कई नामचीन हस्तियां। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहेबगंज के बढ़ेट में आयोजित चुनावी सभा में आज फिर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को केंद्र सरकार की नीतियों और प्रयास से पेट में दर्द हो रहा है। ये दल सफेद झूठ बोलकर लोगों को भरमा रहे हैं। हमने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को एक नई राह दिखलाने का काम किया। वही नागरिकता संशोधन बिल लाकर देश को नई दिशा दिखला रहे हैं। अब ये दल लोगों को डराने की राजनीति करने लगे हैं, झूठ बोलकर लोगों को डरा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में आपने इनका नामो निशान मिटा दिया, जिससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। देश के टुकड़े टुकड़े होने का ये नारा दे रहे हैं। इनके चलते ही जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा है। कहीं अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग आपके कंधे पर बंदूकें चला करके अपना राजनीतिक उल्लू तो सीधा नहीं कर रहे हैं। आपकी बर्बादी करने के पीछे इनका ये षड्यंत्र नहीं है, याद रखिएगा। और ये देश 20 साल से देख रहा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी से नफरत है। देश हित से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, वो मोदी के प्रति जो उनकी नफरत है, उससे आगे देख ही नहीं पाते। भाइयों और बहनों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम पंथियों के सिर्फ नाम अलग है, इनकी सोच और कारनामे एक जैसे ही है। दुमका में झामुमो के प्रेस वार्ता में सरयू राय ने शिरकत की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय मंगलवार को दुमका पहुंचे। पांचवें और अंतिम चरण में दुमका विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और भाजपा प्रत्याशी लुईस मरांडी के बीच कड़ी टक्कर है। यहाँ विशुद्ध रूप से हेमंत सोरेन जी जो राज्य के संभावित अगले मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए प्रचार करने और अपना समर्थन उनको देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हेमंत सोरेन जी ने, उनकी पार्टी ने, मैं जहाँ खड़ा था वहाँ इन लोगों ने मेरे लिए समर्थन दिया है। तो ये ऋण है, कर्ज है, उधार है। जितना जल्दी उधार और कर्ज चुका दिया जाए उतना जल्दी अच्छा होता है। और मुझे उम्मीद है हेमंत सोरेन जी अपनी पार्टी के साथ राज्य के अगले सरकार का नेतृत्व करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचवें और आखिरी चरण के लिए कल शाम 18 दिसंबर को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आखिरी चरण में राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, सारठ, पड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, इन सीटों पर मतदान की जाएगी, जबकि 23 दिसंबर को मतगणना की तिथि सुनिश्चित की गई है। विश्व मानव अधिकार दिवस के मौके पर नई दिल्ली के किशोर सागर नगर पालिका प्रेक्षागृह में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने गोष्ठी सह सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया। मौके पर अतिथियों ने मानवाधिकारों की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि एक सशक्त और शांतिपूर्ण समाज के लिए यह जरूरी है कि समाज का ताना बाना मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला और सत्र न्यायाधीश अरुण शर्मा मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रशांत निगम समेत गृह मंत्रालय के सीवी तिवारी, अन्य नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रही। मानव अधिकार संगठन की तरफ से राष्ट्रीय विदेश प्रकोष्ठ प्रभारी हसन नकवी, अध्यक्ष SS तोमर, राष्ट्रीय संगठन सचिव विजय शंकर पांडे मौजूद रहे। एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋषिन्द्र मिश्रा,
प्रदेश अध्यक्ष अशोक गायकवाड़ ने बताया कि उक्त आयोजन के माध्यम से मानव अधिकारों पर चर्चा की गई। और कोई आवाज उठा रहा उसी जगह हमारे मानवाधिकार खत्म हो गए। हम यही चाहते हैं कहीं भी मानवाधिकार हनन ना हो, लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें और ये एहसास करें कि केवल 10 दिसंबर नहीं 365 दिन मानवाधिकार उसमें आ रहे हैं, हनन ना हो और हमारा आपका सबका एक नैतिक दायित्व है। सब अपने अपने कर्तव्यों का उचित निर्माण करें, मीडिया निष्पक्ष होके सरकार को आईना दिखाएं, पीएम निर्भय होके अपना काम कर सकें, उनको ये डर न रहे कि हमारा तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, एसपी निर्भय होके काम कर सकें और जो जिले के अपराध हैं उनको दो शब्द बोलना भी आए, ऐसा न करें कि आए और कहें कि साहब हम बोल नहीं सकते हैं। और अंत में फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कहा केंद्र सरकार की नीतियों से क्यों हो रहा है विपक्ष के पेट में दर्द। खुलकर जेएमएम के समर्थन में आए सरयू राय, झारखंड की राजनीति में फेरबदल। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दिल्ली में शामिल हुई कई नामचीन हस्तियां। लाइव झारखंड ब्रेकिंग में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पोस्ट को लाइक शेयर जरूर करें।